तो दोस्त, आज हम डिस्कस करेंगे तीन मेजर पॉइंट्स के बारे में जो इंस्टीट्यूट होते हैं। जैसे आप हार्डवेयर नेटवर्किंग कर रहे हो, CCNA कर रहे हो, या कोई डिप्लोमा कर रहे हो, या कोई डिग्री ले रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट से या कोई कॉलेज है, तो वहाँ पे हम कैसे चेक करें और क्या क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वहाँ से हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या सिर्फ वो बोल ही रहे हैं। तो उसमें कुछ दो तीन मेजर पॉइंट होते हैं जो आप चेक कर सकते हो, जिसमें सबसे बड़ा एक मेजर पॉइंट ये होता है कि आप वहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखो। प्लेसमेंट रिकॉर्ड वहाँ पे कैसा है, क्या इसके पहले कोई भी कैंडिडेट प्लेस हुए हैं? आपने देखा होगा वहाँ पे बैनर्स लगे होते हैं कि ये कैंडिडेट इसमें प्लेसमेंट दिलाया, इस कैंडिडेट को इसमें प्लेसमेंट दिलाया, तो वहाँ पे बैनर्स लगे होते हैं। बट वही मेन नहीं होता है, हो सकता है कई बार वो फर्जी भी वहाँ पे निकलवा के चिपका देते हैं, बट आपको वो प्लेसमेंट रिकॉर्ड उनका देखना पड़ेगा। सेकेंड जो पॉइंट है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो वहाँ पे एजुकेशन मिल रहा है या जो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आपको, वो किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है या किस तरीके का वहाँ पे वो पढ़ाया जा रहा है। ये मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करूँ नेटवर्किंग की, अगर नेटवर्किंग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके, किस लेवल पे नेटवर्किंग पढ़ा रहे हैं, सिर्फ बेसिक पढ़ा रहे हैं या आपको सच में वो प्रैक्टिकली नॉलेज दे रहे हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं जैसे नेटवर्क बोल्स हो गया या और भी ऐसे होंगे, मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा उसको, लेकिन यहाँ पे इनकी फ़ीस कॉस्टली होती है। आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए फ़ीस मिल जाएगी ऐसे इंस्टीट्यूशन में, बट वहाँ पे क्या होता है कि आपको उस लेवल का वो पढ़ाते हैं कि उनको फिर बाद में प्लेसमेंट कराने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आपको ऑलरेडी 1 साल 1.5 साल के इतना कैंडिडेट का जो जितना एक्सपीरियंस होता है उतना आपको एक्सपीरियंस दिला देंगे, तो आपको 100% जॉब मिल ही जाती है। तो वो चीज़ होती है वहाँ पर, इस वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको ये देखना है कि जो एजुकेशन है वो किस लेवल तक दे रहे हैं और कैसा पढ़ा रहे हैं। कई इंस्टीट्यूट होते हैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ा दिया, बेसिक पढ़ा दिया, इसके बाद में उनको कोई मतलब नहीं होता। तो आप कोशिश करो कि जहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि किस लेवल का पढ़ा रहे हैं, या 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस कैंडिडेट का पढ़ा रहे हैं या सिर्फ वहाँ पे एज अ ब्रेशर बेस या बेसिक ही पढ़ा रहे हैं। एंड जो तीसरा होता है सबसे बड़ा, वो ये होता है कि जो वहाँ पे फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं वहाँ पे, उनको किस लेवल की उनके पास डिग्री है, कौन से उन्होंने सर्टिफिकेशन लिए हैं और किस लेवल का वो पढ़ाते हैं। सर्टिफिकेशन इन द सेंस अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूँ तो CCNA, CCNP, CCIE या CCIE सिक्योरिटी, तो इस तरीके के वहाँ पे टीचर्स या फैकल्टी के पास वो डिग्रीज हैं कि नहीं है या वो सर्टिफिकेशन हैं कि नहीं है। आप पता चले आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, उसके पास CCNA तक का डिप्लोमा डिग्री कुछ है नहीं, आप जाके वहाँ पे पढ़ रहे हो, तो आपको पता ही फिर किस बेस का नॉलेज मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ पर फिर अच्छे से नहीं सीख पाओगे। तो आप चेक करो वो चाहे लिनक्स का हो सर्टिफाइड है कि नहीं है वो जो टीचर है, या CCNA हो गया, MCSC सर्टिफाइड है कि नहीं। अगर सर्वर लेवल का आप पढ़ने जा रहे हो, अगर AWS का आप पढ़ने जा रहे हो, तो देखो कि वो AWS सर्टिफाइड है कि नहीं है। ये नहीं किसी इंस्टीट्यूट से उठा के वो सर्टिफाइड हो गया, तो ऐसा नहीं। जो रियल एग्ज़ाम देने के बाद सर्टिफाइड वो होते हैं, उनको हम एग्जैक्ट या एक्चुअली में सर्टिफाइड बोलते हैं। तो आप वो चेक करो कि आपको जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं वो सर्टिफाइड हैं कि नहीं है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी आप अगर आप हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग की जॉब्स देख रहे हो, तो नीचे मैंने कुछ सटीक क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको 90-95% इंटरव्यू में मिलने वाले हैं। सेम वही लिंक आपको नीचे दिया, आप चेकआउट कर सकते हो, और मेरा रिज्यूमे पड़ा हुआ है, आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।